बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कंपनी लॉ को। कंपनी लॉ के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो कंपनी की फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, उसके तीन डॉक्यूमेंट्स और उसका पब्लिक प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस और पार्टनरशिप के साथ निकलने और डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट प्रीसीडिंग लेक्चर जो हमने अभी किया है, लास्ट लेक्चर, उसके अंदर हमने प्रॉस्पेक्टस को जो है वो बड़े डिटेल के साथ जो डिस्कस किया, स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को डिस्कस किया, जो हमारे जो ये डॉक्यूमेंट जो मुकम्मल हो गए। और इसके बाद जो वो डॉक्यूमेंट्स जब प्रिपेयर होंगे तो वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चली गई। रजिस्ट्रेशन के बाद जो पब्लिक कंपनी है उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी हो गया। और जारी होने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो सबसे पहला स्टेप कंपनी का होता है, स्टेचुटरी बॉडी। तो हम जो वो आज हमारा टॉपिक होगा वो स्टेचुटरी मीटिंग होगा, मीटिंग्स होगा, उसके अंदर एक स्टेचुटरी मीटिंग भी है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को, उसके ऑब्जेक्ट्स को, उसके कंटेंट्स को, उसके डिफरेंट प्रॉज एंड कॉन्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करें इन दिस लेक्चर। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, कंपनी लॉ के अंदर मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये हमारा जो है टॉपिक है। अब मीटिंग से जब हम मुराद देते हैं बेसिकली, अब मीटिंग में भी आप डिफाइन एज अ गैदरिंग ऑफ टू आर मोर पर्संस बाय प्रीवियस नोटिस और विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर डिस्कशन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ व्यूज एंड आइडियाज रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ सम बिजनेस। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा अशखास इकट्ठे हो गए और उनके आपस में आइडियाज और व्यूज का एक्सचेंज करना, डिस्कस करना, डिबेट और डेलीगेशन उसके बारे से करना, ये जो है वो आपका मीटिंग के जुमले में आता है। और एक कंपनी की मीटिंग के हवाले से जब हम बात करें तो ज़ाहिर है बात मीटिंग जो है वो या डिस्कशन जो है वो या व्यूज एक्सचेंज जो है वो पर्टिकुलरली बिजनेस से रिलेटेड होती है। तो हम इसको फिर वो डिफाइन करेंगे कि अब मीटिंग में भी डिफाइंड एज गैदरिंग ऑफ टू आर मोर पर्संस बाय प्रीवियस नोटिस और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर द डिस्कशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ सम बिजनेस। ये इसकी जो वो डेफिनेशन होगी या जनरली इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब कंपनी की मीटिंग की जब हम बात करते हैं, मैंने इसलिए मीटिंग्स लिखा है, मीटिंग नहीं लिखा, जमा लिखी है मैंने एस आर के, कि मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो ये तीन तरह की मीटिंग होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग, जो मैंने आपके सामने डिफाइन किया। ये पहला आपका पॉइंट हो गया। दूसरा ये टाइप्स ऑफ मीटिंग, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, ये आपकी जब वो तीन तरह की होती हैं। नंबर वन आपकी होगी स्टैट्यूटरी मीटिंग, नंबर टू होगी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरी होगी आपकी स्पेशल मीटिंग या इसको आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग भी कहते हैं। ये तीन जो है वो एक कंपनी की मीटिंग्स होती हैं।
जो कंपनी अपनी बिजनेस के हवाले से बिजनेस को कंडक्ट करती है और बिजनेस के अफेयर को जो रन करती है, ये तीन तरह की मीटिंग है। इसमें जो आपकी पहली मीटिंग है वो है आपकी स्टेचुटरी मीटिंग। ये जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी है एज पर लॉ, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए जरूरी नहीं है। ये सबसे पहली बात है। आज हम जो चीज डिस्कस करेंगे उससे पहले मीटिंग को हम डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे से भी ओवरव्यू दे दूं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ये पब्लिक कंपनी भी कंडक्ट करती है और ये प्राइवेट कंपनी भी कंडक्ट करती है। ये जो स्पेशल मीटिंग ये भी मैंडेटरी है, जो एनुअल जनरल मीटिंग है ये भी मैंडेटरी है। यानी ये पहली दोनों मीटिंग जो है मैंडेटरी है, लेकिन स्टेचुटरी मीटिंग जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है और एनुअल जनरल मीटिंग जो है ये पब्लिक कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है। और ये वजह भी आपको बताता हूँ कि क्यों ये पब्लिक के लिए और ये दोनों के लिए। ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है पब्लिक के लिए भी मैंडेटरी है, लाजम है, और प्राइवेट कंपनी के लिए भी ये लाजम है। मगर ये जो स्पेशल मीटिंग है ये कंपनी की अपनी एक डिस्क्रिप्शन है, वो जब चाहे तो इसको कंडक्ट कर सकते हैं। स्टेचुटरी मीटिंग पब्लिक के लिए पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि चूंकि इसके अंदर जनरल पब्लिक का जो पैसा है वो इन्वेस्ट होना होता है और इसमें जो कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट शेयर होल्डर की सूरत में या डिबेंचर होल्डर की सूरत में जो करती है वो जनरल पब्लिक करती है। इसको आप शेयर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते सर्टेन परसेंट तक, जो भी एक सर्टेन क्राइटेरिया पर पूरा होता है आप उसको उस शेयर होल्डर आपको एज पर रूल रेगुलेशन एज पर रिक्वायरमेंट्स एज पर लॉज एंड मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, तो आप उसको उस वो शेयर जवाब देते हैं। Whereas जो प्राइवेट कंपनी होती है चूंकि वो एक उसके शेयर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, खास इंडिविजुअल तक होते हैं, जहाँ तक आप उसको एक्सपेंड करते हैं वहाँ तक होते हैं, और जहाँ तक होते हैं वो साथ साथ सारे मामला अफेयर के हवाले से इंटीमेटेड होते हैं पहले से ही। मगर स्टेचुटरी मीटिंग के अंदर बाद लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के फर्स्ट आइडिया से लेकर उसकी फॉर्मेशन तक, तीन डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन तक, उसके रजिस्ट्रेशन के अमल तक सारे अमल से नावाकिफ होते हैं। आज तो वो सारी चीज़ों को स्टडी कर चुके होते हैं, गो थ्रू कर चुके होते हैं, मगर उस तरीके से फॉर्मली इंटीमेटेड नहीं होते। इसलिए आप जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए स्टेचुटरी मीटिंग कानून में मैंडेटरी करार दी है, लाजमी करार दी है और इसका तकाजा किया है पब्लिक कंपनी से। वेयर एज प्राइवेट कंपनी से इसका तकाजा नहीं किया, जो उसके शेयर की पोजिशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब जो दूसरी मीटिंग है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग, वो जो है वो पब्लिक मीटिंग पब्लिक कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है और प्राइवेट के लिए भी, ताकि सालाना जो है वो आप बिजनेस की जो प्रोग्रेस है उसकी जो इनपुट है उसकी जो आउटपुट है उसके अंदर जो आपने एक्सपेंड किया खर्च किया या जो आपने जो है सेल किया या जो आपने प्रॉफिट गेन किया उसकी बाबत जो है वो आप एक पोजिशन जो है वो शेयर करते हैं, और या आप अपने बिजनेस को फर्दर बूस्ट करने के हवाले से या उसकी नई डायरेक्शन देने के हवाले से जो शेयर होल्डर्स के आइडियाज हैं उनको आप आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसा कि हमने कंसेप्ट के अंदर जब इसको डिफाइन किया मीटिंग्स में, तो उसके अंदर भी हमने इस बात का वो देखा है। तो ये भी जरूरी जो है आपकी स्पेशल मीटिंग वो आपकी कंपनी की स्वाधीन होती है, कंपनी पर होती है, ये मैंडेटरी नहीं होती, ये परसुएसिव होती है, डिस्क्रिप्शन होती है कंपनी कि वो जब कंडक्ट करना चाहे तो कंडक्ट कर सकती है, जब उसको जरूरत पड़े क्लिनिक के मिसाल के तौर पर प्रोसीडिंग चार बाद छः बाद आठ बाद साल में दो दफ़ा चार दफ़ा जब जब इसको जरूरत महसूस हो तो कंपनी की स्पेशल मीटिंग जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी कहते हैं ये जो वो कॉल आउट कर सकती है और मीटिंग के जरिए किसी भी एजेंडे पर जो वो डिबेट करवा सकती है, व्यूज एक्सचेंज करवा सकती है, आइडियाज़ को एक्सचेंज करवा सकती है और आइडियाज शेयर कर सकती है और उसके बारे में स्पेशल फैसला जो वो ले सकती है जो कंपनी के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए या उसकी डायरेक्शन का तय करने के लिए जरूरी हो। आज हम जो डिस्कस करेंगे जो मीटिंग में से, तो मैंने तीनों का आपको कंसेप्ट जो दे दिया। जो चीज़ हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे वो मैंने जो अंडरलाइन कर दी है स्टेचुटरी मीटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनुअल जनरल मीटिंग और स्पेशल मीटिंग को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सर दस जो आज हमारे लेक्चर या टॉपिक का या डिस्कशन का हिस्सा रहेगी वो आपकी
स्टेप्स टू मीटिंग होगी। तो इसके लिए जो सबसे पहली बात है वह है लॉ, रेलिवेंट लॉ। ये सेक्शन आपकी 131 to 133 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 जो है वो सिविल करता है। सेक्शन 131 to 133 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 डील विद द सिचुएशन। ये इससे जो है वो आपका रिलेटेड लॉ है और ये इसके तहत जो ये कंटैक्ट होती है। मैं थोड़ा सा इसको रीड करता हूँ। द स्टेचुटरी मीटिंग इज यूजुअली फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी। इट कैन बी कन्वर्टेड बाय द कन्वेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यानी ये बेसिकली स्टेचुटरी मीटिंग जो पहली मीटिंग होती है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद, और ये कन्वेड होती है यानी कंटैक्ट होती है ये डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के लिए। Definition of the statutory meeting according to section 131 of the Company Act 2017. Every public company, ये देखें मैंने जैसे आपको बताया कि ये public company के लिए जरूरी है, private company के लिए जरूरी नहीं है। तो उसने definition भी इसी word से शुरू की है कि public company। अगर ये दोनों के लिए होती तो यहाँ ये लिखता कि every company। चूंकि ये सिर्फ public company के लिए है तो इसके उसने स्टैट्यूट के अंदर जो सेक्शन 131 के अंदर जो डेफिनेशन दिया है स्टैट्यूटरी मीटिंग के दौरान उन्होंने इसको डिफाइन क्यों किया कि एनी पब्लिक कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल शेयर विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस और विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन व्हिच एवर इज अर्लियर होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी to be called a statutory meeting। Yes, एक separated period है कि जिसके अंदर जो हमें एक meeting जो है conduct करनी है, first meeting है और shareholder के दरमियान और convened by the directors होगी। तो ये meeting इसको section 131 के अंदर जो है define किया गया है। By whom the meeting is be held, ये कौन conduct करेगा, कौन कौन सी company जब इसको कनेक्ट करेगी, इसी डेफिनेशन को हम एलोरेट कर रहे हैं। इसकी जो जो डेफिनेशन हमने आपके सामने रीड आउट की गो थ्रू की, इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले चीज के बाय होम द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज हेल्ड, उन्होंने कहा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग इज हेल्ड बाय द फॉलोइंग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या चीज है, ये मैं आपको अलग से इस पर बाद में बात करूंगा कि ये क्या चीज है। और आप प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, यानी कि तीन कंपनियों ने यहाँ एलोकेट करनी है कि पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर हो, पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी हो, और प्राइवेट कंपनी जो कन्वर्ट हो गई हो पब्लिक कंपनी के अंदर, उनके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना लाजम है। कौन कंडक्ट करेगा, तीन लोग बताए, तीन कंपनी बताए, कंपनी पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, और प्राइवेट कंपनी जो कि कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी हो, तो इसने ये मीटिंग जो कंडक्ट करनी है। दूसरी चीज है कि व्हेन दिस मीटिंग हैड स्टैट्यूटरी मीटिंग, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, कांट बी हेल्ड बिफोर 3 मंथ एंड कांट बी डिलेड फ्रॉम 6 मंथ फ्रॉम द डेट विच द इंटेंशन टू कमेंस बिजनेस। यानी कि जिस डेट को बिजनेस कमेंस करने के लिए, बिजनेस कमेंस का मतलब होता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए वो इंटाइटल हुई, यानी कि सर्टिफिकेट उसको मिल गया रजिस्ट्रेशन का, उस डेट की बात कर रहा है, उसके 3 माह बाद से पहले नहीं शुरू कर सकते आप, 3 माह बाद से पहले नहीं शुरू कर सकते और 6 माह बाद के बाद नहीं कर सकते आप। एक्सप्लेन कर देता हूं कि फर्ज किया एक पब्लिक कंपनी को आज 3 जून 2020 को जो है वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी मिल गया। अब इसके 3 माह तक तो वो ये मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता, यानी कि 3 जुलाई, 3 अगस्त और 3 सितंबर, ये 3 माह पूरे हो गए। यानी कि 3 जून से लेकर 3 सितंबर तक वो स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते, उनको
जो इंटाइटलमेंट होगी जो ऊपर लाजम है वो 4 सितंबर से होगी। ये बात शुरू होगी कि 4 सितंबर, फिर 4 अक्टूबर और फिर 4 नवंबर, इन 3 अक्टूबर के बाद, 3 सितंबर के बाद, 3 सितंबर तक नहीं कर सकते, 3 माह मुकम्मल होने से पहले नहीं कर सकते। 3 माह मुकम्मल कब हो रहे हैं? अगर 3 जून को सर्टिफिकेट मिलता तो 3 सितंबर को 3 माह मुकम्मल हो रहे हैं। 3 माह से पहले नहीं कर सकते ये मीटिंग स्ट्रक्चर में। अब 3 माह के बाद 6 माह से डिले नहीं कर सकते, 3 माह के बाद 6 माह से डिले नहीं कर सकते। वो 6 माह कब पूरे होते हैं? 3 सितंबर के बाद। अगर आप देखें 3 अक्टूबर 1, 3 नवंबर 2, 3 दिसंबर 3, 3 जनवरी 4, 3 फरवरी 5, 3 मार्च 6। 3 मार्च से पहले पहले जो है वो ये मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, ये मैंडेटरी है। तीन अगले जो 6 माह मुकम्मल होने से के बाद ये कंडक्ट नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है। अगर बात करेंगे तो ये डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी और कंपनी इसके लिए लाइबल है और कंपनी इसमें बाइडर भी हो सकती है। और ये शेयर होल्डर के आगे नीचे चलकर हम इसको पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर की या कंपनी के साथ डील करने वालों की ये प्रिविलेजेस हैं, उनका ये हक हासिल है कि वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस कंपनी ने जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो इन टाइम फ्रेम व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 131 ऑफ द कंपनी एक्ट 2017, जो प्रोवाइडेड टाइम था उस टाइम के अंदर नहीं की या की ही नहीं। ये दोनों सूरतों में कंपनी का डिफॉल्ट है। एक ही जो टाइम फ्रेम कंपनी ला ने दिया उस टाइम फ्रेम में नहीं की मगर कर दी, और दूसरी सूरत की ये है कि की ही नहीं मीटिंग, सीरियसली मीटिंग कंडक्ट ही नहीं की। तो ये दोनों सूरतों में कंपनी का ये डिफॉल्ट होगा और कंपनी इस डिफॉल्ट के लिए लायबल होगी, और इस डिफॉल्ट की सूरत में कंपनी अपने वाइंड अप की तरफ जो वो जा सकती है, पैरेंट कंपनी को वाइंड अप। और ये रजिस्ट्रार इस पर सो मोटो एट इट्स ऑन मोशन इसका एक्शन ले सकता है और एट द रिक्वेस्ट और एट द एप्लीकेशन फाइल आर मूव बाय द शेयर होल्डर या वो इसका नोटिस ले सकता है और इसको वाइंड अप जो वो इस बुनियाद पर कर सकता है। अब आगे चलकर ये हम दायरा देखेंगे कि ये क्या चीज है स्टैट्यूटरी मीटिंग की, ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और फिर खास टाइम फ्रेम क्यों है कि इस टाइम के अंदर आप ये जो कंडक्ट करनी है और उस टाइम के से पहले नहीं करनी, उस टाइम के बाद नहीं करनी, और फिर ये करनी लाजमी है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी डिफॉल्ट और डिफॉल्ट समझ आपकी कंपनी वाइड हो सकती है, खत्म हो सकती है, डी रजिस्ट्रेशन उसकी हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि पहले तो हमें ये जानना है कि स्टेट्यूटरी मीटिंग है क्या चीज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या चीज इसके अंदर डिस्कस होती है, या ऐसी क्या इसके अंदर अहम बातें हैं जो डिस्कस हो रही होती हैं। जब आप ये बात समझेंगे तो फिर आपको इसके टाइम फ्रेम की बात समझ आएगी कि हाँ ये इस वजह से जो है वो इसका एक खास टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम से ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसकी मीटिंग को फर्दर डिस्कस करते हैं, तो फिर हमें इस बात की ऑटोमेटिकली समझ आ भी जाएगी और मैं डिस्कस भी आपके साथ करूंगा। नोटिस यानी हमने इसके जो टाइम फ्रेम हमने देख लिया कि व्हेन मीटिंग कंडक्ट, ये रेलेवेंट लॉ में देख लिया, व्हेन मीटिंग कंडक्ट हमने देख लिया, और इसके बाद नोटिस, जरा मीटिंग होगी तो उससे पहले नोटिस होगा ना। जैसे कि हमने इसके डेफिनेशन के अंदर भी क्या चीज पढ़ी थी कि व्हेन इट इज द गेटिंग ऑफ टू और मोर पर्सन बाय प्रीवियस नोटिस, ये डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा इसकी, ये जनरल डेफिनेशन है मीटिंग की हमने देखी। तो एक नोटिस होगा उस वो सेक्शन 131 सब सेक्शन 2 के तहत ऑफ कंपनी एक्ट 2017 दैट डायरेक्टर शैल बी सेंड अ नोटिस टू द स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ 20 एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग टू एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कि 21 दिन पहले जिस दिन पे वो मीटिंग करना चाहते हैं उससे 21 दिन पहले 21 डेज अर्लियर टू द डेट ऑफ मीटिंग द डायरेक्टर्स आर अंडर ऑब्लिगेशन एज पर सेक्शन 131 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 दैट दे विल सर्व अ नोटिस टू द आज टू ऑल शेयर होल्डर रिगार्डिंग द कन्वेइंग ऑफ द मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो ये 21 दिन पहले जो वो ये नोटिस जो वो जो डायरेक्टर होंगे वो इशू करेंगे
शेयर होल्डर को इश्यू करेंगे, 21 दिन पहले इश्यू करेंगे। तीन बातें याद रखिएगा नोटिस की बाबत, कि नोटिस डायरेक्टर इश्यू करेंगे, शेयर होल्डर को इश्यू, तमाम शेयर होल्डर को इश्यू करेंगे और 21 दिन पहले इश्यू करेंगे। जिस दिन मीटिंग है उससे 21, मिसाल के तौर पर जी फर्स्ट 24 जून को मीटिंग करने जाते हैं तो 3 जून को नोटिस जारी होंगे, 25 जून को करने जाते हैं तो 4 जून को होंगे, 21 दिन पहले जो है वो नोटिस जो सर। अब जो कंटेंट्स क्या होंगे उस नोटिस के, उस नोटिस के अंदर क्या चीज मेंशन होगी, कंटेंट्स ऑफ नोटिस, तीन चार चीजें हैं। डिक्लेरेशन ऑफ होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग, एक तो इस चीज का हजार होगा ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स कि हम स्टैट्यूटरी मीटिंग जो हेड करने जा रहे हैं। दूसरी चीज डेट ऑफ मीटिंग कि किस डेट को करने जा रहे हैं, टाइम ऑफ मीटिंग कि किस टाइम पे करने जा रहे हैं और प्लेस ऑफ मीटिंग, यानी मीटिंग करने का हजार, डिक्लेरेशन टाइम प्लेस एंड डेट, टाइम प्लेस एंड डेट, ये उस नोटिस के अंदर, ये जो नोटिस सर्व करेंगे 21 दिन पहले शेयर होल्डर को डायरेक्टर, उस नोटिस के अंदर टाइम प्लेस डेट एंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द कन्वीनिंग कमिंग ऑफ द मीटिंग मस्ट मेंशन। तो ये इसका, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है, इस ऑब्जेक्ट से आपको इसकी अहमियत का एहसास होगा। बिफोर गोइंग थ्रू द रीडिंग ऑफ the object of the company of the statutory meeting of the public company, मैं only थोड़ा सा आपको elaborate कर दूँ। statutory basically statute से है, statutory statute से है, statute ये company act है, statutory meeting यानी statute के मुताबिक meeting, statute की regulation पर meeting, statute इसका तकाजा करता है कि meeting conduct करने का, इसलिए इसका नाम स्टैट्यूटरी मीटिंग है। कंपनी एक्ट के अंदर इस मीटिंग का नाम स्टैट्यूटरी मीटिंग इसलिए है कि कंपनी एक्ट इसका तकाजा करता है, कंपनी एक्ट एक स्टैट्यूट है और स्टैट्यूट के तहत कंडक्ट हो रही है और स्टैट्यूट इस बात का तकाजा करता है कि ये लाजमी कमी है, इसलिए इसका नाम स्टैट्यूट हो गया पहली बात। दूसरी बात कि ये वो मीटिंग है जो फॉर्मल फॉर्मली और फॉर्मल वे में और एक विशिष्ट में और फॉर्मल अंदाज से जो वो कंपनी के शेयर होल्डर को तमाम तर अफेयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट आइडिया विच हैव बीन जनरेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर ऑफ द कंपनी टिल द मोमेंट व्हेन दे हैव गेट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उस डेट तक जितने मराइल गुजरे उस आईडी से लेकर इस सर्टिफिकेट को हासिल करने तक, अगर हम ओनली यहां खड़े खड़े इसको बयान करें तो हम दो मिनट में बयान कर देते हैं कि आइडिया हुआ है, कौन सा बिजनेस करना है, कहां करना है, क्या करना है, कितने पैसे चाहिए, किस जगह पर होनी चाहिए, लोगों को इसका क्या फायदा होगा, इसके लिए तीन प्रिपेयर करना है, कोई प्रिपेयर करना है, यू प्रिपेयर करना है, प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना है, सर्टिफिकेट हासिल करना है, लोगों को बताना है, लोग पैसे दे देंगे, आगे शेयर दे देंगे। तो ये तो कहने को तो ये इतनी सी बात है, विद इन 20 या 25 सेकंड ये मुकम्मल होगी बात, लेकिन करने को ये 4 महीने ले सकती है, 6 महीने ले सकती है, 1 साल ले सकती है, 2 साल ले सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि किस जगह पे ये चीज सिचुएट करें, उस जगह पे जगह चाहिए होती है, उस जगह के लिए जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं मशीनरी चाहिए होती है, जो मशीनरी आप जहां इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसके एक्सपर्ट चाहिए होते हैं जो उसको उस मशीनरी को चलाएंगे, फिर उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, फिर वो जो मशीनरी आप खरीदेंगे वो आपके मुल्क में प्रिपेयर हो रही है नहीं हो रही है, वो आपने किस मुल्क से मंगवानी है, किस कंपनी की, किस कैटेगरी की मंगवानी है, किस नेचर की मंगवानी है, फिर ये कि वो जो जगह चाहिए वो उसके लिए सूट करती है या नहीं करती, फिर उसके लिए जगह आपको लीज पर मिलती है, जगह आप खरीदते हैं, जगह आपको जब वो कोई किस तरीके से गवर्नमेंट आपको दे देती है या पब्लिक से आप अक्वायर करते हैं, गवर्नमेंट के लिए आपने इसी पार्ट को
होंगे, आप मेडिकल एक्ट जो पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कि उसके अंदर जो है वो पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है लैंड को एक्वायर करने के हवाले से। फिर वो जगह के देखेंगे वो फिट फॉर द पर्पस भी है या नहीं है। फिर जो रॉ मटेरियल आपने खरीदना है वो कहां से खरीदना है, किस तरह का रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा, ये सारे प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। फिर जो डॉक्यूमेंट जो आप पीछे पढ़ चुके हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरे प्रॉस्पेक्टस वगैरह, उनकी प्रिपरेशन का मामला है। फिर वो प्रिपरेशन जो उनकी आपने प्रॉस्पेक्टस जो प्रिस्क्राइबर है सब्सक्राइबर है कंपनी के उन्हें करनी है, या आपने वो जो वो उसके लिए फॉर्मली जो प्रोफेशनल प्रमोटर्स हैं उनको उनकी सर्विस में एंगेज करना है, ये देखना है। फिर उनके अंदर क्या चीज आपने लिखवानी है, क्या चीज नहीं लिखवानी है, क्या चीज मेंशन करनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस तरह का होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस तरह का होगा, प्रॉस्पेक्टस किस तरह का होगा, डायरेक्टर को एंगेज करेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितने आप रखेंगे, आप पब्लिक कंपनी बनाएंगे प्राइवेट बनाएंगे, ये सारी कितनी डिटेल है, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिससे ये सब्सक्राइबर जो गुजरते हैं, खुद गुजरते हैं या प्रमोटर के जरिए गुजरते हैं, लेकिन एक कबीर सफर जो वो करके आए होते हैं। तो मेरे वो सारा जो सफर है वो आपने इस मीटिंग के अंदर जो है वो शेयर करना है शेयर होल्डर के साथ, इसलिए शेयर करना है कि वो शेयर होल्डर आर एक्चुअली स्टेक होल्डर ऑफ दैट कंपनी, उनका स्टेक है, उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा उस कंपनी पर, इसलिए उनको आप इंटीमेट करते हैं कि हमने फर्स्ट आइडिया यहाँ इस टाइम पे लिया, उस आइडिया में ये लिया, ये आइडिया हमने इसलिए लिया, इस बिजनेस को चलाने का हमने फैसला इसलिए किया, इसको फलां शहर में चलाने का फैसला इसलिए किया, इसलिए फलां जगह पे हमने जगह एक्वायर किया है, फलां मशीनरी हमने इसलिए परचेज किया, फलां फलां कॉन्ट्रैक्ट फलां फलां पार्टी से हमने शेयर जो साइन किए हैं, इतना हमने लोन लिया है बैंक से लिया है या किसी इन्वेस्टर से लिया है, वो सारी चीजें जो है वो आप शेयर करते हैं ताकि जितने शेयर होल्डर्स हैं वो इस सारी सिचुएशन पर जो है वो इन पिक्चर हो जाए और फॉर्मली इंटीमेट हो जाए, वो कल ये ना कह सकें कि हमें तो किसी बात का वो इल्म ही नहीं था। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आल स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, चूंकि जिस तरीके से आप देखे ना फंडामेंटल राइट है हमारा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस तरह आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा हक है, राइट टू वोट हमारा राइट है, राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, इस पर कहीं फिर बात करेंगे। इसी तरीके से अपने रियासत के बारे में अपने मुल्क के बारे में राय रखना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में तजवीज देना, उसके बारे में मुख्तलिफ बात करना, ठीक है, लेकिन जो स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर रहते हुए जो आपकी सॉलिडिटी है, जो आपकी आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान है, जो आपकी जो इंटेग्रिटी है उसका ख्याल रखते हुए आपने बोलना आपका बुनियादी हक है। इसी तरीके से जो क्यों हक है आपका, क्योंकि आप इस मुल्क के शहरी, इसलिए हक है कि आप स्टेक होल्डर हैं, इसलिए हक है कि आप इस मुल्क के पब्लिक हैं, इसलिए हक है कि आप इस मुल्क को टैक्स देते हैं, इसलिए ये आपका राइट है। और एट द सेम टाइम जहां यह आपका हक है कि आप इस मुल्क के बारे में, वहां यह आपका ये भी आपका बुनियादी हक है अंडर आर्टिकल 19A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, आप इस मुल्क के बारे में किसी भी ऑफिस के बारे में, किसी ऑफिस के होल्डर के बारे में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, आईजी पुलिस हो, कोई पब्लिक ऑफिसर होल्डर हो, तो आप उसके बारे में मालूम हासिल कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो जो सैलरी लेगा वो आपके टैक्स के पैसे से लेगा और जो आपके स्टेक होल्डर ऑफ दी कंट्री, तो जहां जब आप स्टेक होल्डर हैं तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट ऑफ एक्सप्रेशन बोथ आर योर फंडामेंटल राइट। तो इसी तरीके से ये मैंने थोड़ी सी एलिब्रेशन आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है इस आर्टिकल की कि आपको इसके हवाले से थोड़ा सा कंसेप्ट बने कि कंपनी के अंदर भी चूंकि आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उस हद तक जिस हद तक आपने पैसे इन्वेस्ट किया है उस हद तक आप कंपनी के आप एक मालिक बन गए हैं अपने शेयर की हद तक। तो जब आप मालिक बन गए हैं तो यू मस्ट बी इंटीमेटेड द सिचुएशन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आइडिया एंड टिल द मैटर टिल द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसलिए ये आपको फॉर्मली जो इंटीमेशन देना फॉर्मली आपको सारे सिचुएशन पर जितनी बातें मैंने कही हैं आपको समझ इन बातों पर आपको एतमाद में लेना इन बातों को आपके साथ जो है वो डिस्कस करना। ये मुख्तलिफ उकातेकार में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन से खिताब करते रहते हैं क्यों करते रहते हैं बेसिकली ये किसी भी नेशनल इंडिकेशन पर जब कोई मुल्क के अंदर नई सिचुएशन हो कोई मैशत के हवाले से क्लैप्स आ गया हो कोई इस तरह आप ये कोरोना के हवाले से वबा
का मामला है या आप कोई जंग जनरल का मामला हो, कोई मुल्क के अंदर नई डेवलपमेंट आए, तो फौरन कौम से जो है आपके प्राइम मिनिस्टर खिताब फरमाते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कौम को एतमाद करें, क्योंकि स्टेक होल्डर कौन है, स्टेक होल्डर लोग हैं, तो उनका एतमाद है। इसी तरीके से जो ये जो मीटिंग है ये डायरेक्टर कन्वेट करते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं उनको एतमाद में लेते हैं, उनको इस बाबत जो फॉर्म में इंटीमेट करते हैं कि इसके अफेयर्स ये है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी या क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैटर यू कैन पुट अ क्वेश्चन अबाउट मी। तो फर्दर इसको चलते हैं कि अब इसको फॉर्म में थोड़ा सा रीड करते हैं क्या इसके अंदर जो डिस्कस हो गया, क्या ऑब्जेक्शन है इसके। मिशाल की तरह स्टेट्यूटरी मीटिंग ऐसा भी देता हूं, ये बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की यही इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हम रीड करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्यूटरी मीटिंग, डिटेल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को बनाने की जो डिटेल है वो शेयर की जाएगी। नंबर टू, टू व्हाट एक्सटेंट द फाइनेंशियल अपील टू द पब्लिक हैज बीन सक्सेसफुल, किस हद तक हमारी जो अपील थी पब्लिक को पैसे इकट्ठे करने के हवाले से, यानी अपने शेयर या वो पब्लिक का जो शेयर को सॉर्ट आउट करने के हवाले से वो कामयाब हुई, या डिवेंचर हमने इशू किए और वो किस हद तक या वो इशू हुए और किस हद तक इन्वेस्टर ने इस पर पैसा इन्वेस्ट कर लिया। व्हाट प्रॉपर्टी बाय द कंपनी हैज बीन एक्वायर्ड, क्या जायदाद है, कौन सा रकबा है, कौन सी बिल्डिंग है जो कंपनी ने अपनी जो मशीनरी है या अपने ऑफिस है उन इंस्टॉलेशन के हवाले से एक्वायर कर ली है। क्लियर है। व्हाट हैपेंड टू द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द पेमेंट ऑफ शेयर्स, कि क्या अमाउंट एक्चुअली जो है वो कंपनी रिसीव कर चुकी है, कंपनी के पास उसके पैसे एक्चुअली यानी फिजिकल, एक तो यह वो कैपिटल जिस पर कंपनी अपनी फाउंडेशन खड़ी करती है वो 1 करोड़ रुपया हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पैसे जो है 30 लाख इकट्ठे हुए होते, तो वो आप उनको फार्मी आप इंटीमेट करेंगे कि ये पैसे जो है वो शेयर सेल्ड आउट होने की सूरत में जो हमारे पास आ चुके हैं। डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो डिस्कस होगी कि टिल गेट क्या प्रोग्रेस हुई है, टू गेट द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोज इन द प्रॉस्पेक्टस, कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप डिस्क्लोज किए हैं मुख्तलिफ थर्ड पर्सन के साथ जो हमने एग्जीक्यूट किए हैं उनमें कहा किस हवाले से किस हद तक मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो भी आप लोग डिस्कस करते हैं इस मीटिंग के अंदर। उसके बाद जो अगला मरला है वो है बिजनेस ऑफ द मीटिंग, कि बिजनेस ऑफ द मीटिंग इज टू डिस्कस द कंसीडर स्टेट्यूटरी रिपोर्ट व्हेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर प्रोवाइड फ्रेश एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, ये चीजें हैं कि जो आप शेयर होल्डर का जो कॉन्फिडेंस है उसको हासिल करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो अब आ जाते हैं प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर, जो मेंबर है उनकी क्या प्रिविलेजेस है, उनको क्या मुराद है इस हवाले से। वैसे तो जाहिर वो शेयर होल्डर है और अपना एक रिस्पेक्टिव शेयर हासिल करना उनका राइट है, उनकी ये प्रिविलेजेस है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेट्यूटरी मीटिंग के से रिलेटेड जो है वो उनके क्या हकूक है वो देखते हैं, वो क्या प्रिविलेजेस है। द मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल बी लिबर्टी टू डिस्कस द मैटर रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और अराइजिंग आउट ऑफ द स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, कि जो कंपनी है इसकी फॉर्मेशन से बाबत अगर उनके पास कोई आइडिया है जो कि फॉर्मेशन हो चुकी या उसके अंदर कोई ट्विस्ट देना है, कोई चेंजिंग करनी है, कोई अल्टरेशन करनी है, कोई उसमें बेहतरी लानी है, कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कोई उसमें जो लोक परक की जरूरत है, उसमें नफासत की जरूरत है, तो उस बाबत जो वो फ्रीली शेयर होल्डर जो अपनी एक राय दे सकते हैं, ये उनकी प्रिविलेजेस है। अब आ जाते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इन होल्डिंग स्टेट्यूटरी मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 301 क्लास बी ऑफ कंपनी एक्ट 2017, अ कंपनी में बी बाउंड अप इफ डिफॉल्ट मेड इन
delivering the steps to go to the registrar and holding steps to the meeting. In this company had been told that you have to conduct a meeting with your husband. And if you don't do this, and if you don't conduct this, and if you don't report the registrar and submit to the meeting, it is your default on your part, and your company would be allowed up on this sore ground. This is the repercussions, this is the consequences of failing to hold this report and conveying the statutory report to the registrar of the Stock Exchange Commission of Pakistan. अच्छा जी, अब ये जिस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो शेयर करेंगे उसके साथ रजिस्ट्रार के साथ इसके क्या कंटेंट्स होंगे? देखिए ना कि जब आपने एक मीटिंग हेल्ड कर ली और उसके सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जो मैं बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ एलिब्रेट कर चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो आए एक्सचेंज हुए, उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डर के जैसे कि उनके प्रिविलेजेस हैं कि वो उस पर अपनी बात कर सकते हैं, कोई आइडिया दे सकते हैं, आइडिया एक्सचेंज हो सकते हैं, ये सारी बात होगी, डायरेक्टर ने मीटिंग कन्वे कर उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, जिस तरीके से ना एक मिनट्स ऑफ मीटिंग जो प्रिपेयर होती है, तो वो प्रिपेयर वो वही स्टडी रिपोर्ट है कि ये मीटिंग कंडक्ट हुई फला तारीख को फला जगह पे हुई, फला 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 मेंबर इसमें मौजूद थे, इसमें एजेंडा ये था, सारी इंफॉर्मेशन फला 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 जो ऑब्जेक्ट्स थे एज पर लॉ रिक्वायरमेंट में थी वो हमने पूरी की और ये सारी चीजें हमने कंक्लूड कर दी कंडक्ट करने के बाद। तो ये रिपोर्ट प्रिपरेशन होगी, ये रिपोर्ट जाकर आप सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार के पास। यानी पहला मरला क्या था, यहाँ भूलिएगा नहीं, यहाँ जो लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, कल आप जब पेपर देंगे तो भी ये चीज आपके लिए जरूरी है और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे तो भी आपके लिए बात होगी है कि पहला मरला आपका क्या हो गया, आपकी प्रिपरेशन ऑफ थ्री डॉक्यूमेंट्स MOA, AOA और प्रॉस्पेक्टस, वो आपने जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ सबमिट किया, वहां से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद एक सर्टेन पीरियड के अंदर यू हैव टू कंडक्ट द स्टैट्यूटरी मीटिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन दिस लेक्चर। तो वो कंडक्ट होने के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, अब वो रिपोर्ट जो है वो आप सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास और जैसे ही वो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर जो है वो आपको एक लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात आपने नहीं बोलनी कि ये लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस का जो मामला है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी जैसे ही सर्टिफिकेट हासिल करेंगे रजिस्ट्रेशन का वो अपना बिजनेस उसी वक्त कमेंस कर सकती है, मगर जो पब्लिक कंपनी होगी उसको बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट्स बिजनेस they have to conduct this meeting and after submitting the report regarding this statutory meeting they furnish the report before the registrar and registrar issue a certificate of commencement of the business and then the public company will start its business. Now what is that statutory report, uske kya contents hai, unke kya pehlu hai, uske kya hawale hai, ki us report ke andar kya kya cheeze mention karenge, of course कि जो मीटिंग कंडक्ट हुई इसी के हवाले से उसमें मेंशन करें कि उसमें एक फार्मूला था, हम देखते हैं कि उसमें क्या-क्या चीजें होगी। नंबर ऑफ द शेयर्स, सबसे पहली बात वो जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार के सामने सबमिट करेंगे, बल्कि इसको मैं हटाता हूं, अब हम कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट जो हम इसमें डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक का हिस्सा है। Contents of
स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट। ये हम देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो सपोर्ट के दर्जे को मेंशन होंगे। सबसे पहले था कि नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ये पहला जो कंटेंट है उसके दर्जे को मेंशन होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ द शेयर अलॉटेड एंड कंसिडरेशन फॉर विच अलॉटमेंट ऑफ शेयर वाज मेड। यानी जैसे मैंने आपको, अगर आपके जहन में हो, अगर नहीं किया तो प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करें, तो उसके अंदर मैंने यहाँ 10 मिलियन रुपीज लिखे थे, यानी 1 करोड़ रुपया, और उसके बाद बताया था आपको कि आप उसके 100 शेयर भी बना सकते हैं। तो अगर 100 शेयर बनाएंगे तो 1 लाख रुपए का एक शेयर का, 50 लाख रुपए का शेयर बनाएंगे तो आपके जो शेयर है वो 200 हो जाएंगे, हर शेयर की वैल्यू 50,000 रुपये हो जाएगी। अगर आप 2 लाख का एक शेयर बनाएंगे तो आपके शेयर 50,000 आ जाएंगे और हर शेयर की वैल्यू 2 लाख रुपया हो जाएगी। तो ये कोई कदर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ये जो सब्सक्राइबर होते हैं जब वो फैसला करते हैं तो वो आहिस्ते रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, मगर जो बढ़ेगा या कम होगा तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन के नतीजे में होगा। कि कल हम जब एक रेजोल्यूशन पढ़ेंगे कि जो शेयर का नाम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपकी ये बात इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा कि उसके अंदर क्या चीज होती है, कैसे शेयर कम होता है या कैसे शेयर बढ़ता है। लेकिन सही दस्त की बात ध्यान में रखें कि 1 करोड़ रुपया का कंपनी का कैपिटल एसेट है, 1 करोड़ रुपए पर कंपनी ने अपना बिजनेस खड़ा किया और उसने कहा कि एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपया है तो वो टोटल नंबर आपके बन जाएंगे फिर 100। टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? 100। अगर उन्होंने कहा कि एक शेयर जब 2 लाख रुपए का है तो 50 × 2 = 100, 100 लाख का 1 करोड़ रुपए बनता है। अगर हर शेयर की वैल्यू 2 लाख है तो 50 आपके शेयर बन जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 50 हो गए। अगर उन्होंने 50,000 रुपए का शेयर रखा तो फिर जाहिर बात है कि 200 शेयर आपके बन जाएंगे और हर शेयर की वैल्यू 50,000 की। तो ये मेंशन करना है कि टोटल नंबर है वो कितना है, उन शेयर का कितने, इस कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं। अमाउंट ऑफ कैश, टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर अलॉटेड, कि कितनी कैश हम रिसीव कर चुके हैं शेयर अलॉट करने की सूरत में। टोटल कैश जो है वो आपने मेंशन कर दिया, अमाउंट ऑफ कैश ये मैं समझाता हूं। अमाउंट इन कैश, अमाउंट इन डॉक्यूमेंट भी होती है और अमाउंट इन कैश फिजिकली आपके पास। देखिए मैंने आपको बताया था जब फॉर्मेशन समझा रहा था तो थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए पर अपना बिजनेस खड़ा करना है, सरे दस्त आपको बिजनेस को चलाने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है। आपने 40 और 8 शेयर की वैल्यू आपने 1 लाख रुपए रखी है, 100 शेयर है आपने टोटल, फर्ज लीजिए आपके पास ये 100 शेयर है। आपने 40 शेयर जो है वो इशू कर दिए, 40 शेयर आपने अलॉट कर दिए, 40 शेयर अलॉट करेंगे तो आपको 40,000 रुपए मिलेगा, बाकी जो 60,000 रुपए वो आपका इनबैलेंस है। ये 40,000 रुपए आपका अमाउंट इन कैश हो गया, आपके शेयर अलॉट हो गए, पैसे आपके पास आ गए, यानी आपसे मुराद कंपनी के पास आ गए और ये फिजिकली आपकी कंपनी के पास आ गए। अब इसकी आपके फिर मुख्तलिफ जो है वो सिचुएशन निकलती है, कैसे मुख्तलिफ निकलती है कि दो बाप आते हैं उनको कंपनी को मजीद 25,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपया है जो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन किया हुआ है, वो इससे एक्सीड नहीं कर सकते। अगर एक्सीड करेंगे तो अपने एमओए के अंदर तब्दीली लाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट जाके दोबारा रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेंगे, सबमिट करके फिर सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। लेकिन अगर अमेंडमेंट नहीं करने आते तो वो इस मैक्सिमम अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी जरा प्रमोटर्स के जरिए प्रमोट की जाती है, फॉर्मेट की करवाई जाती है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के नतीजे में, अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर के नतीजे में वो उस अंदाज से कंपनी की फॉर्मेशन करें कि जो कंपनी के फ्यूचर एस्पेक्ट को मद्देनजर रख के जब उसको फॉर्मेशन दे ताकि कल जब उनको फौरी तौर पर प्रॉब्लम ना हो। अगर उन्होंने अपने बिजनेस एक्सपेंड करना है और उन्होंने 10-20-50,000 रुपए की उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो जाहिर वो फौरन टाइट हो जाएंगे। अगर उन्होंने कोई तब्दीली करनी पड़ती है तो अमेंडमेंट और फिर एक लंबे प्रोसीजर के अंदर, हाईली कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन के अंदर उनको जाना पड़ेगा कंपनी को। तो इसलिए कंपनी को जितने फौरी तौर पर पैसे उनसे एक सर्टेन स्पेस के साथ जो अपना कैपिटल जो है वो
मेमोरेंडम ऑफ सिंध अंदर सेट कर दी है। तो बात आप बता था कि अमाउंट इन कैश जो है वो उनको मेंशन करनी है कि ये अमाउंट जो है शेयर अलॉटमेंट की सूरत में जो हमने एलोकेट कर पार्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर्स जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे उनके पार्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर ये उस रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन कर रहे हैं। पार्टिकुलर्स क्या चीज होती है? पार्टिकुलर्स मतलब कि उनकी जो तफसीलात है, उनका जो नाम है, पैरेंटेज है, उनकी जो एड्रेस है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, फिर कितने डायरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपने उनकी बातें जो है वो मेंशन करनी है अपने इस पार्टिकुलर के अंदर। ये बहुत जरूरी है। अपनी स्टेटसरी रिपोर्ट का जो तीसरा आपका कंटेंट होगा वो पार्टिकुलर्स आपकी डायरेक्टर जो है वो आपको मेंशन करना है। अच्छा, एक और चीज आपके साथ शेयर करूं कि आपको ये भी बताना होगा, ये चीज आई थी यहां बतानी कि अमाउंट इन कैश जो है वो तो होगी आपकी फर्ज की 40 लाख रुपया, तो जो आपकी अनपेड शेयर है वो भी आपको बताने होंगे, यानी अनपेड शेयर। कि ये शेयर जो हमारे अच्छा यहां एक बात और आपके साथ शेयर करनी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा से मांगे 40 लाख रुपए की उन्होंने इकट्ठा किया और पैसे अपना बिजनेस शुरू कर दिया। फौरन उनको जरूरत इस तरह की पड़ गई थी कि 25 लाख रुपए कंपनी को और चाहिए प्रैक्टिकली, इन डॉक्यूमेंट में तो उसके पास 1 करोड़ रुपया है लेकिन फिजिकली उसके पास 40 लाख रुपए जिस पर उसने बिजनेस अपना शुरू कर लिया। कंपनी को अपने बिजनेस कोई नई मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जमीन ज्यादा चाहिए, तो उसको या फर्नीचर चाहिए, कोई भी ऐसी चीज चाहिए कंपनी को जिसके लिए उसको 25 लाख रुपया चाहिए। अब उसको करना क्या है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं ये डायरेक्टर्स की जो पॉलिसी है वो इस तरह की है कि कंपनी चाहती है कि आप अगर उसे शेयर होल्डर बनाते हैं तो डायरेक्ट शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक हैं। हमने जो अपने बिजनेस इस ये पैसे हमने इस अंदाज से इकट्ठे कर रहे हैं कि कंपनी पर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का जो वो बोझ न बने लेकिन कंपनी के पास पैसे भी जाए, तो फिर ये क्या तरीका होता है कर्जा लेना। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के पास जो इशू कर सकती है वो है डिबेंचर। तो ऐसी सूरत में कंपनी है वो 25 लाख रुपए का डिबेंचर इशू करेगी। डिबेंचर वाले टॉपिक के अंदर उनकी बड़ी डिटेल हम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन जहां इतना ही कि वो डिबेंचर इशू करके वो किसी इन्वेस्टर को हो सकता है, किसी बैंक को हो सकता है, वहां से वो 25 लाख रुपए वो एक से ही 25 लाख रुपए ला सकते हैं और 2 से ला सकते हैं, 4 से ला सकते हैं। उन सब टर्म्स एंड कंडीशन तय करेंगे, उनका इंटरेस्ट रेट तय करेंगे और उनको जो वो मुनाफा देते रहेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को वापस देंगे और वो कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं बनेंगे और आपको 25 लाख रुपए भी आ जाएगा। सब टाइम ये कंपनी सोचती है कि यार इस कंपनी का ठीक है मुनाफा, इसका ठीक आ रहा है, मतलब इसकी सेल ठीक है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस पर कर्जा लेने की क्या जरूरत है, हमें खाब खाब में जो इस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो हम इसके शेयर भी देते हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तब्दील होती रहती है थोड़ी बहुत, ये अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट्स ऑफ ईच केस जब ये चीज जब इसमें तब्दीलियां आ जाती हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन आपकी आ गई, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी बता कर चुका हूं कि जितने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने अपने फर्स्ट आइडिया से लेकर इसके फॉर्मेशन के सारे प्रोसेस के अंदर जिस जिस थर्ड पर्सन से जब वो कॉन्ट्रैक्ट डील किए, प्रॉपर्टी की बाबत किया, मशीनरी की बाबत किया, रॉ मटेरियल की बाबत किया, वो सारी चीजें आपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए जो आपने स्टेचुटरी मीटिंग के अंदर अपने शेयर होल्डर के साथ आपने शेयर भी किए वो आपने इसके अंदर स्टेचुटरी रिपोर्ट के अंदर आपने मेंशन कर देने हैं। उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन, पार्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन
ये आपने मेंशन करना है कमीशन की, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एलिब्रेट कर चुका हूं इसको, कि जो चीज आपने कमीशन के अंदर दिया, वो जो कमीशन आपने दिया या फिक्स किया या देना है इन कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में, ये जो डीलिंग्स जिस जिसने करवाई, वो ब्रोकर जो थे, उस कमीशन का जो रेट है, जो आपने दे दिया वो भी, और जो नहीं दिया देना है आप वो भी, ये सारी चीजें जो आपने इस रिपोर्ट के अंदर आपने इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स, स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर, कंपनी के जितने दीगर मामला है वो भी आपने इसमें मेंशन करने हैं। उसके बाद आपने या पार्टिकुलर्स ऑफ एरियाज, एरियाज उन एरियाज की बात जो वाजबात है, एरियाज वाजबात कहते हैं जो रकम वाजब अदा हो, पार्टिकुलर्स रिगार्डिंग एरियाज, रिगार्डिंग एरियाज, यानी जो कंपनी ने किसी का देना है या कंपनी ने किसी से लेना है, ये जो वाजिब अदा है कंपनी के जिम्मे या कंपनी के लिए, वो आपने सपोर्ट के अंदर वो मेंशन करना है। और लास्ट यही है कि रेमेडी टू द शेयर होल्डर, अगर ये मीटिंग कंडक्ट नहीं होती स्टेचुटरी मीटिंग, तो शेयर होल्डर के पास जो क्या रेमेडी हासिल है वो आपका सबका हम और असर हो, और अगर आप इसको देखा करें सुना करें।